तो शॉप में आयरन मैन आ गए। क्या बात है भाई, बड़ा सही लग रहा है। तो ऐसा कुछ दिखता है, और आइए इसको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग सारे बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो एज पर माय कमिटमेंट, दिस इज अ कंसिस्टेंटली सेकंड वीडियो इन अ रो। और आज बड़ा स्पेशल व्लॉग है, बिकॉज आज मैं जाने वाला हूँ हेलमेट वाला के पास। तो एक्चुअली मैं हेलमेट वाला बंदा नहीं है, तो शॉप का नाम ही हेलमेट वाला है, जो है रमेश नगर पे। तो बड़ा यूनिक सा नाम है। उनको मैंने एक ऑर्डर किया था हाफ फेस मास्क, ताकि मैं मोटो व्लॉगिंग है वो डेली कंटेंट्स के लिए मोटो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने उनको फ़ोन किया है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो हाफ फेस मास्क है वो आ चुका है, तो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूं उनके पास, और आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या मैंने ऑर्डर किया है। इससे मेरे एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि मैं डेली अपनी जो मोटो व्लॉगिंग है वो आपके साथ शेयर कर सकूंगा। सो चलिए आइए चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सामने है खेत्रपाल हॉस्पिटल और बिल्कुल अपोजिट है ये शॉप। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो कितने सारे हेलमेट है, बहुत सारे हेलमेट है, मतलब हर तरह के ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे स्टील बर्ड के। और यहाँ पे सबको टेक केयर करने वाले हमारे रजत पारी। हेलो रजत सर। हेलो भैया। तो मतलब मैंने पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, वो फेस वाला जो मास्क आता है हाफ हेलमेट वाला, वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैं पहले भैया से पूछ के गया था, तब आपकी शॉप में था नहीं, लेकिन आपने मेरे लिए करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये मतलब हेलमेट वाला ना, ये जो लोगो भी आपने बनाया और हेलमेट वाला, ये वर्ड कहाँ से निकाला? बिकॉज मैंने जब मैंने बोला ना हेलमेट वाला, तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि हेलमेट वाले की शॉप पे जा रहे हैं। तो ये कहाँ से एक यूनिक आइडिया निकाला आपने? फोर इयर्स पहले का काम है हेलमेट का। फोर इयर्स पहले? हाँ जी। तो हमने रिटेल शॉप खोलनी थी, तो कुछ नाम भी यूनिक होना चाहिए। तो मेरे को सबसे अच्छा वाला हेलमेट ये लगा हुआ है, विच इज SPA 3, और इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है 2580। सर ये 2580 ही प्राइस है इसका? नहीं सर, डिस्काउंट मिलेगा इस पर, MRP है। ओके, तो ये मतलब कैमरे के पीछे वाली बात है कि डिस्काउंट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल अमाउंट, बट अगर आप आते हो तो श्योरली मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। मतलब मेरे को बहुत सही लगा है ये हेलमेट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, करोलबाग और यहाँ पे कितना प्राइस का डिफरेंस होगा? Because that is a wholesale market, right? कुछ नहीं होगा, हम भी होलसेलर हैं। अच्छा, आप भी होलसेलर हो? ये मतलब पते की बात बोल दिया सर ने। और एक तो ये वाला मेरे को हेलमेट बड़ा सही लगा है, और ये फ्यूचर में मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाला हूँ। और इसका जो नाम है वो है SBA 3 है, 2 है, 1 है, कौन सा ये? SBA 2 है ना? SBA 1। तो इसमें भी प्राइस लिखा हुआ है 2000, अगेन डिस्काउंट हो जाएगा, राइट? तो मतलब मैं आपको एक जस्ट रफ आइडिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10-20% डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जो अमाउंट आप देख पा रहे हो, मतलब हर तरह की वैरायटीज है यहाँ पे स्टील बर्ड्स की। और ये पूरे डेकोरेटेड वाले फैंसी हेलमेट्स, तो मैं तो सोच रहा था प्रेडेटर वाला भी मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये स्टाइल देखो, मतलब अमेजिंग है। SBA 1 ही है, है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और यहाँ पे राइडर्स के गियर्स भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने वो भी रखे हुए हैं। सो GoPro माउंट्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक ही शॉप में सब आपको मिल जाएगा, राइट? सब कुछ है, मतलब जैकेट है अभी, और लोकेशंस भी आने वाले हैं। अच्छा, तो राइडर्स के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब मेरे ख्याल से यहाँ पे है। ये ग्लव्स हैं, मास्क है, एवरीथिंग इज देयर। GoPro माउंट के लिए ये चीज़ें। तो अपना भी आ चुका है ये, एक्चुअली मैं परचेस कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो कि कहीं पे भी राइड करने जाओ और वीडियो शूट ही नहीं हो पाती। कैमरा संभाले या स्कूटी संभाले या स्कूटर संभाले या बाइक संभाले, फिर आपको पता ही है गिरना पड़ना हो जाएगा। तो इसको डाल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ऐसी कुछ लुक आ रही है अपनी, यो मैन। तो ये देख सकते हो,
तो इट इज़ अ हाफ मास्क हेलमेट, तो मैंने टिंटेड लिया है। तो अभी तो एक ही कलर अवेलेबल है ना सर? तो अभी तो यही कलर अवेलेबल है, अदरवाइज ये गोल्डन भी आता है ना? एक वाइट वाला आपको दिखाना, वाइजर इसका गोल्डन आता है, वो वाइट वाला ना दिखाना भैया, वो वाला भी, या फिर मैं लूँ ये, दोनों में से कौन सा वाला? मेरे को तो ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये ब्लैक हो जाएगा जब डस्ट लगेगी, तो इसकी टेक केयर करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है। ठीक है, मैं तो ये ब्लैक वाला ही लूँगा। ये वाला मत लगाओ भाजी, इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं आपको एक हेलमेट सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, वो आप लगाओ भाजी, वो वाला लगा लो, आयरन मैन वाला। ओहो, तो शॉप में आयरन मैन आ गए। क्या बात है भाई, बड़ा सही लग रहा है, बट एक्चुअल में बता दूं ये डमी है, हेलमेट नहीं है। ओ भाई साहब, भाई ये तो पूरा आयरन मैन लुक आ। भाई ये ब्लैक वाली का क्या प्राइस है? ये ब्लैक वाली का 650। ओके, और एक्चुअली मैं बताऊंगा, मैं वेस्ट दिल्ली में हर जगह पे हो आया हूँ, कहीं पे नहीं मिला, सिर्फ यहीं पे मेरे को ये मिला है। वीरेंद्र नगर भी मैं गया था, और मैं गया था तिलक नगर भी, बस एक यही शॉप है जो मेरे घर के पास है, और ये वाइजर मिल गया, मतलब हाफ फेस हेलमेट। तो ये परचेस करते हैं और निकलते हैं फिर घर। सो अभी हम लगाने वाले हैं यहाँ पे एम सील, और पीछे ये जो जाली है ना, इसमें इसको अच्छा होल्ड मिलेगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पे प्रॉपर कवर होगा ये चीज़ पूरी तरह, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाएंगे हम एम सील, ताकि इन फ्यूचर में ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा होगा, तो यहाँ पे ये लगेगा। सो ये दो कॉम्पोनेंट है, इसको हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। सो अभी हम एम सील लगाने लगे हैं, तो इसको सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और इसको ऐसे ऊपर लगाएंगे ताकि ये पूरी शेप में आ जाए। यहाँ पे इसको हल्का सा बेंड प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पीछे भी चला जाए। इफ़ यू कैन सी, ये यहाँ से एम सील बाहर निकल रही है, और दैट इज़ समथिंग विच वी रिक्वायर्ड। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एम सील है ना, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रेस कीजिए, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे लग जाए। इफ़ यू कैन सी, अब ये पूरी रात यहाँ पे सूखेगी। ये 3M की टेप है, वो बाद में हम इसको उतार देंगे, अभी नहीं उतार रहे हम इसको, ताकि थोड़ी देर इसको सेट करने पे लगेगा। जब ये सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको एक बार उतारेंगे, उसके बाद 3M की जो टेप है वो हटा के इसके ऊपर चिपका देंगे। थोड़ी देर इसको सेट होने देते हैं। सो गाइस, अभी ये सेट हो गया थोड़ा, तो हम इसको उतारेंगे, और इसकी जो 3M टेप है ना, इसको उतारेंगे पहले। ये 3M की टेप उतार रहे हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, और इसको हम यहाँ पे पूरी तरह सेट कर देंगे, क्योंकि शेप बन चुकी है, अब बस सिर्फ एक सेट करना रह गया। पूरी तरह चाकू से ना हल्का हल्का सा कटिंग कर दो, ताकि एक्स्ट्रा एम सील ना रहे यहाँ से। और अब इसको पूरी रात हम सूखने देते हैं, ताकि सुबह अपने पास पूरी तरह सेट चीज़ हो जाए। ये अभी भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह सूख चुका है ये, दैट्स प्रीटी गुड। चलो जी, दैट्स ऑल, अभी तो हम एम सील यहाँ पे लगा के इसको सेट करते हैं। पीछे भी जो लगी थी, मैंने यहाँ पे भी एम सील लगा दिया, ताकि पूरी तरह पकड़ बनी रहे। तो दैट इज़ ऑल, अभी ये एक्चुअली डिटैचेबल है, यहाँ से इसको हटाएंगे, सिर्फ मास्क में रखेंगे, ताकि स्केचेस ना पड़े ग्लासेस के ऊपर, और इसी पे वर्क करेंगे अभी। तो ऐसा कुछ हमने पूरा इसको सेट किया है। ये जो फॉर्म से मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बाहर की आवाज़ इको साउंड नहीं आएगा, और यहाँ से भी मैंने इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे इसकी माइक की वायर है, अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ से मैंने निकाली, और यहाँ से आउटपुट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से
नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी रहेगी। अभी मैं फिर भी इसको फॉर द प्रोटेक्शन ये जो एक्स्ट्रा फोम है वो कुशन यहाँ पे रख दूँगा ताकि ये जो वायर है वो टेंगल ना हो। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। तो ऐसा कुछ दिखता है और आइए इसको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सो गाइज अभी हम आए हैं इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ऑफिस मास्क के ऊपर जो हमने गोप्रो का सेटअप लगाया है। आई थिंक सो इट इज़ वर्किंग फाइन क्योंकि घर में मैंने टेस्ट कर लिया था। माइक की क्वालिटी इन ट्रैफिक कैसी रहती है उस चीज़ को चेक करना था, तो अभी हम मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस फेस मास्क की बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मैंने इस पर जो गोप्रो माउंट किया है तो इसको प्रॉपर तरीके से होल्ड मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी हो गया उससे, बिकॉज मेरे ख्याल से एमसील मैंने ज़्यादा लगा दिया और गोप्रो का भी एक वेट होता है तो उस वजह से ये सारा थोड़ा सा हैवी हो गया, बल्कि हो गया, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है और ये जो फॉर्म मैंने सेटअप किया है साइड में माइक के वो नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा कर रहा है। और शौक अपना पूरा पूरा हो रहा है क्योंकि अगर पगड़ी डाली हुई है और ये लगा के चलते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।